डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अभियंता प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर सिंचाई विभाग सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ के माध्यम से यह मांग उठाई गई कि संघ की जो भी मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से स्थानांतरण नीति, रिक्त पदों की भर्ती, पुरानी पेंशन आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सिंचाई मंत्री प्रदेश सरकार को भेजा गया। ज्ञापन के बाद भी जूनियर्स इंजीनियर की लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो दिनांक 7/8/2024 को प्रदेश के समस्त राजस्व मंडलों में धरना दिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से इंजीनियर रविंद्र कुमार, इंजीनियर एसपी सिंह, इंजीनियर अमित कुमार, सहायक अभियंता तथा इंजीनियर अरविंद कुमार, इंजीनियर दिनेश कुमार, इंजीनियर पवन कुमार, इंजीनियर कुमुद राजपूत आदि जूनियर इंजीनियर मौजूद रहे। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर राकेश कुमार मंडल अध्यक्ष तथा संचालक इंजीनियर कविंद्र सिंह जनपद सचिव द्वारा किया गया। हमारे पिछले एक दो सालों से कई मांगे हैं। हमारा ये 22 सूत्रीय मांग पत्र है। इसमें हमारे डीपीसी की समस्या है, एसीपी की समस्या भी है, ट्रांसफरों की भी समस्या है और ज्येष्ठता सूची है, वरिष्ठता सूची है और स्थायीकरण है। बहुत सारी हमारी मांगे हैं। 22 मांगों को लेकर हमारा ये प्रोग्राम है और चूंकि इन मांगों को लेकर हम पिछले एक साल से जो है पत्राचार कर रहे हैं और प्रमुख अभियंता हमारे जो है इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर हमें जो है संघर्ष के रास्ते पर जाना पड़ा। इस संघर्ष के हमने विभिन्न चरण रखे हैं। प्रथम चरण में हमने 22 तारीख से 27 तारीख तक एक हफ्ते के लिए काला फीता बांध के जो है विरोध प्रदर्शन किया, ऑफिसों में काम किया। उसके बाद भी जब हमारी बात नहीं सुनी गई है तो हम आज एक दिवसीय धरना देने के लिए विवश हुए हैं। आज हम धरने के बाद दोपहर 3 बजे माननीय सिंचाई मंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे। इसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम 7 अगस्त को मंडलायुक्त महोदय के कार्यालय के सामने धरना देंगे और अपना ज्ञापन सिंचाई मंत्री जी के लिए उनके माध्यम से भेजेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी बात पूरी नहीं होती, हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम 22 अगस्त से प्रमुख अभियंता कार्यालय लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट करेंगे और हमारी मांगे पूरी ना होने तक वो धरना हमारा चलता रहेगा।